रहीम तमाम तारीफ़ें उस पर आलम के लिए हैं जोलमी इनका पालने वाला है तो सलाम हो मोहम्मद व वा वाल मोहम्मद आलमसलम पर अज़ीज़ नाज्रीन अल्लाम वरम्ला आप सभी का इस्तबाल करते हैं इस खास प्रोग्राम में कि जिसमें हम इस्ताल माह रमज़ान के सिलसिले से गुफ्तू करेंगे और ये प्रोग्राम ख़ास कर इसलिए भी आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है ताकि जो मुबारक महीना हमारे दरमियान में आने वाला है हमें अगर उसके बारे में पहले से ही चीज़ें और आमाल दुआएं और वो तमाम रवायात जो इस माह मुबारक रमज़ान के सिलसिले से हम तक आई हैं वारिद हुई हैं अगर हमें पहले से कोई चीज़ जब मालूम होती है तो फिर जब वो दिन आता है वो मौका और वो लम्हा आता है तो फिर हमारे अंदर एक अलग कैफियत होती है क्योंकि हम उन चीज़ों को जानते हैं कि हमें क्या करना है दुश्वारी तब आती है कि जब मौका हो सामने और हम जानते भी ना हो कि हमें क्या करना है लिहाजा इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम माहिर मुबारक रमज़ान के आने से पहले ही चंद बातें आप तक पहुँचाना चाहते हैं वल वमसमिन आली जनाब मौलाना कमाल अहमद ख़ान साहब के ज़रिए आइए मुलाकात करवा देंगे असलकूल वरम वालेकाम वरहुल्लि वरक अगर हम अपने नाजरीन को आपके ज़रिए यह बताना चाहें कि माह मुबारक रमज़ान का इस्तबाल करना है यानी क्या आप क्या कहेंगे बसमन वहीम वही नस्तीन व हुआ ख़ैरमुन मैं सबसे पहले तमाम नाजन की ख़िदमत में माह मुबारक रमज़ान की आमद पर अभी से मुबारकबाद और तबरीक पेश करता हूँ सबसे पहले आपकी खदमत में अर्ज़ करूँ कि ये जो आपने सवाल किया कि इस्ता माह मुबारक यानी माह मुबारक का इस्तबाल किस तरह किया जाए और इस्तबाल यानी क्या जी देखिए इस्तबाल वो कलमा है वो लफ्ज़ है जो हमारे यहाँ भी बोला जाता है हम जब किसी को वेलकम करते हैं कोई आ रहा हो तो कहते हैं फलां फला के इस्तबाल में निकलिए जी फलां को वेलकम करने निकलिए माह मुबारक रमज़ान का इस्तबाल यानी माह मुबारक रमज़ान के लिए ख़ुद को तैयार करना माह मुबारक रमज़ान के लिए अपने आप को आमादा करना क्योंकि जो महीना आ रहा है वो इबादतों की बहार है माह मुबारक रमज़ान इबादतों की बहार है जिस तरह बहार आती है तो नाज़िन ने देखा होगा कि वो पत्ते जो मुरझा चुके होते हैं उनमें भी सब्जा आ जाता है और एक तरफ से एक अलग कैफियत होती चारो है चारों तरफ एक हरियाली होती है 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 और दिल होती। भी होता है। दिल भी खुश खुश होता होता यही जुमला मैं कहने जा रहा था अच्छा। कि जिस्म के अंदर बाहर के आने से निशात पैदा होती है बाहर का मौसम आम कुछ मौसम होते हैं दिल में खुद न जाने कैसी तकलीफ होती है लेकिन जब बाहर आए ताजी हवाएं मिले हर तरफ सब्जा हो तो फिर एक खास निशात आपके जिस्म को मिलती है जी इसी तरह माह मुबारक रमज़ान भी बाहर इबादत है यानी मेरे जिस्म से हटकर अब मेरी रूह को निशात मिलेगा वाह मेरी रूह पुर होगी मेरी रूह में एक ख़ास सुरू हासिल होगा जाहिर सी बात है इतनी अजीम चीज़ जो मेरी रूह को मसरूर करने आ रही हो जो मेरी रूह में निशात पैदा करने आ रही हो उस अजीम महीने की तैयारी ही का नाम इस्तबाल माह मुबारक रमज़ान है मैं एक मिसाल दूँ इस्लामी मिसाल दीन में जो मरहले तय होते हैं अखलाक के लिहाज से उनको तीन नाम दिया जाता है एक मरतब हम कहते हैं तखलिया एक जुमला है तहलिया एक है तजलिया मैं तीनों की वजाहत करूँ बहुत आसान है तखलिया यानी क्या होता है कोई चीज़ कहीं पर हो उसे वहां से निकाल दीजिए अच्छा इसको कहते हैं तखलिया हमारे यहाँ जुमले भी बादशाहों के जुमले कभी कभार ये इस्तेमाल होते थे तखलिया यानी जितने ग़ुलाम यहाँ से निकले हम आपसी कुछ खास बातें करने जा रहे हैं जो है करसन दो तखलिया का लफ्ज हमारे नाजर ने भी सुना होगा तखलिया यानी बहुत सी चीज़ों को निकालना अच्छा फिर उसके बाद आता है तहलिया बहुत सी चीज़ों को ले आना हाँ। फिर उसके बाद का मरहला तजलिया ये इस्तबाल माह मुबारक रमज़ान में इन तीन लफ्जों को सुनिए तखलिया यानी मैं अपने वजूद से कुदूरत को हसद को और झूठ को जितनी भी बुराइयाँ हैं इनसे अपने वजूद को खाली कर दूँ यह हुआ तखलिया अच्छा फिर उसके बाद बहुत सी अच्छी सफ़त को अपने वजूद में ले आऊँ सच इबादत ईमानदारी इसको कहते हैं तहलिया तहलिया यानी सजाना हुँ हुँ। मैं और आसान करूँ ताकि नाज्रीन भी करीब जा सकें एक किताब है हिलतुलमुतकी ये नाम भी नाजरन ने सुना होगा यानि मत्तकी का जेवर ये तहलिया उसी जेवर से अच्छा यानि अपने आप को सजाना फिर उसके बाद तजलिया जब आपने पहले बुराइयों को ख़त्म किया फिर उसके बाद अच्छाइयों से अपने वजूद को संवार लिया फिर तजल्ली होती है फिर आप मेहमानी खुदा में जाते हैं और आसान करें अगर ना जिंदगी हमारे यहाँ कोई मेहमान आने वाला हो जी हम एक मरत घर की सफाई करते हैं यह हुआ तखलिया फिर उसके बाद घर को डेकोरेट करते हैं यह हुआ तहलिया फिर वो मेहमान तजल्ली करता है ये हुआ तो अगर इन तीन मरहलों को माह मुबारक रमज़ान में और शायद इसी वजह से अगर आप देखें तीन लगातार महीने रजबालमरज शाहबानमाुजम रमज़ानमबारक रजब वही तखली का महीना है जी शाहबानमाज़म तहली का महीना है रमज़ान वही तजलिया है कि जहाँ पर खुदा वंद मताल आपके कल्ब में चूँकि अल्लाह ने ख़ुद फरमाया कि मैं पूरे ज़मीन व आसमान में नहीं समा सकता लेकिन मोमिन का दिल जो है मेरा हरम है तो इस हरम में तजल्ली और साफ़ परवरदिगार आलम हो इसके लिए तखलिया और तहलिया का मरहला हम जो तय करते हैं इसी को कहा जाता है इस्तबाल माह मुबारक रमज़ान क्योंकि जब आप सफ़र भी करते हो तो आप एक तैयारी करते हैं अगर मुझे सफ़र करना है और सफ़र में भी दो कैफियत होती है कभी कोई दूर का सफ़र करना है तो तैयारी ज़्यादा होती है अगर आप एक दो दिन के लिए कहीं आ जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत नहीं दो चार जोड़े कपड़े रखे चले गए लेकिन अगर आप बहुत दिनों के लिए जा रहे हो तो वहाँ तैयारी भी बहुत अहम होती है जी जी बिल्कुल यहाँ पर जो आपका सफ़र है वो सफ़र जियाफ़त इलाही का है यानी आप खुदा के मेहमान बनने जा रहे हो खुदा के खुदा के मेहमान बनने जा रहे हो जाहिर सी बात है या दीन की जबान में और क़ुरान की जबान में मैं कहूँ कि ये सफ़र भी नहीं है ये हिजरत है यानी मैं खुदा की जानब महाजिर बनने जा रहा हूँ एक मुसाफिर को जब तैयारियों की ज़रूरत होती है तो मैं तो महाजिर बनकर जा रहा हूँ मुझे कितनी तैयारियों की ज़रूरत होगी इन्हीं तैयारियों को इन्हीं तैयारियों को अगर इस्तबाल माह मुबारक रमज़ान में बास प्रोग्राम बाज़ मस्जिदों में भी होते हैं और अलहमदिल्ल आपने भी इस प्रोग्राम को मनक़द किया तो हम इस्तबाल माह मुबारक रमज़ान को अपना समझना चाहें तो आसान जबान में कहें यानी मुबारक की बरकतों से बेहतरीन फ़ायदा उठाने के लिए जो तैयारियाँ की जाती हैं उन तैयारियों को इस्तबाल माह मुबारक रमज़ान कहा जाता है अगर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं यूँ तो आपकी बातों से फिर ये भी हमें लगा कि यानी हम लोग तो अब इस्तबाल कर रहे हैं माह मुबारक रमज़ान का जबकि आपने इशारा दिया कि इसका इस्तबाल हमें माह मुबारक रजब से ही करना चाहिए था बहरहाल खुदा हमें तोफ़ी दे कि हम माह मुबारक रमज़ान की बरकतों से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें एक सवाल इस अंदाज़ से हम पेश करना चाहते हैं कि मासूमी आलम सलाम की जानब से इस महीने की आमद पर कुछ ख़ास दुआएँ कुछ अमाल वारद हुए हैं तो हमारे नाजरन को बताएं तो पहले से मालूम हो तो आदमी तैयारी करता है बेहतरीन सवाल है मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ वाक अभी माह मुबारक रमज़ान के आने से पहले नाज़िन एक मरतबा शहीफ़ सजादिया दुआ नंबर फोर्टी फोर जो इमाम सज्जाद और एक बेहतरीन ख़जाना है हमारे पास सहीफ सजादिया केनुमान से चवालीस नंबर की दुआ है शहीफ़ सज्जादिया में खुदा की कसम ये ख़जाना किसी और के पास नहीं है ये अहिल बैतुसम के तफ़ैल से आज हमारे पास मौजूद है इसमें अगर आप देखें उन दुआओं को जो मासूमिन से वाद हुई हैं ये दुआ सहीफ़ सज्जा दिया कि चवालीस नंबर की है फ़रात अजीब फ़रात हैं मैं सारे फिक्रे तो नहीं नकल करूँगा बस नाजरीन जाकर कर इस दुआ को पढ़ें एक मरतबा इस वजह से एक दो फ़रे करूँ की माह मुबारक रमज़ान की आमद पर मासूमिन ने क्या फ़रमाया ये दुआ इस तरह है एक दुआ का फ़िकरा बसम रहीम वह हबाना बेदीन ही वख तस्ना बे मिलत ही व सब्बलाना फ़ीसोबलेहसानी मौला फरमाते हैं कि मेरे अल्लाह तेरी हमद है तेरी मद है तेरी सना है इस बात पर कि तूने अपना दीन हमें नायायत फरमाया अब गौर फरमाइए एक एक जुमले काबिल गौर हैं कि तूने दीन भेज कर हम पर एहसान फरमाया है इस पर मैं तेरी मद करता हूँ वक्तसन वक्तसना बे मिलत ही और वो दस्तूर वो कवानी जो तूने हमारे लिए मखसूस किए इस पर भी तेरा शुक्र है व सब्बल है ना फीसो एहसान ही और तूने जो रास्ते एहसान के हमारे लिए बनाए उस पर भी तेरा शुक्र है ये गौर करिए माह मुबारक रमज़ान की आमद पर यह दुआ हज़रत पढ़ रहे क्यों नस्लो कहा बेमन ही अला ही हमदन ये तकबल हु वर्जा बही अन्ना हजरत फरमाते मेरे अल्लाह ये काम तूने जो किया इस वजह से ताकि मैं इस रास्ते को तय करूं और ये तेरे एहसान की मदद से मैं रास्ता तय करूंगा और तेरी खुशनुदी की जानिब मेरा कदम उठेगा तुझे राज़ी करने के लिए मेरा कदम उठेगा उसके बाद एक जुमला फरमाते हैं हज़रत व्हमद ज़ाला मिन तिल कसो बोले शाहरू शाहरा रमवान सयाम अल्लाह ने अपनी खुशनुदी के जो रास्ते बनाए हैं जहाँ से मुझे रज़ा परवरदिगार आलम हासिल करना है उन रास्तों में एक रास्ता माह मुबारक रमज़ान को करार दिया है अल्लाह तो जो इस पर भी मैं खुदा की मदह करता हूँ कि ये कौन सा महीना है शाहरुस्याम व इस्लाम अच्छा रोज़े का महीना इस्लाम का महीना व शाहरुत अपने आप को पाक करने का महीना व शाहरुत तमहीस अपने आप से तमाम बुराइयों को निकालने का महीना व शाहरियाम एक जुमला में ब्रेकेट में रज़ कर दूँ कि माह मुबारक रमज़ान सोने का महीना नहीं है गरजे इतना बाफ़ीलत महीना है कि यहाँ सोना भी इबादत है लेकिन मौला फरमाते ये शहरुल क्याम है यानी इसमें उठो उठो बे मानी ये कि अपने अंदर देखो क्या कमियां हैं क्या मुश्किल हैं क्या तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम है उन्हें दूर करने का महीना है यानी ऐसा नहीं है कि आप रोजा रख रहे हैं और दिन भर आराम से गुजार रहे हैं घड़ी देख देख जी जी ये शहरुल क्याम का लफ्ज अगर हमारे नाज़रीन मुतवजह हो जाए कयाम का माना होता खड़े होने का यानी ये पूरा महीना ऐसा है जहाँ तुम्हें अपनी तरबियत में अलर्ट रहना है जहाँ तुम्हें अपनी तरबियत में आमादा और तैयार रहना ये महीना है हज़रत अगर आप इस दुआओं में गौर करिए पहले फरमाए हज़रत ने एक दो पैगाम बड़े हसीन हैं। मैं माँ मुबारक रमज़ान की आमद है तो अर्ज़ करूँ कि ईमान जो खुदा ने हमें दिया है ईमान कबूल करके हमने खुदा पे एहसान नहीं किया जी उसने ईमान की दौलत हमें दिया उसका एहसान है ये पहला जुमला है जहाँ पर अल्लाह की हमद किया मौला ने वगैरह बाजों के जहन में आता है हाँ तो कुरान ने भी इस मंजर को लिखा है मौला ने इसी दुआ के फिक्र से ये तालीम दी चूँकि सही पर सज़ा दिया दुआओं के कालिब में तालीम है दर हकीकत सिर्फ दुआएँ तो नहीं हैं हज़रत पहला पैगाम दे रहे माह मुबारक आ रहा है तुम रोज़ा रखोगे तुम खैरात करोगे तुम क्या करोगे कहीं तुम्हारे जहन में ये ना आ जाए कि तुमने बहुत ज़्यादा एहसान दीन पर किया तुमने बहुत ज़्यादा एहसान इस्लाम पर किया नहीं नहीं ख़ुदा ने ये तो़ीक तुम्हें देकर तुम पर एहसान किया और जैसा कि बादों को ये कुरान करीम एक मंज़र को नकल करता है कि सूर्य आयत नंबर सेवेंटीन में अगर नाजीन मुलाहजा करें जहाँ कुरान ने बाज़ों को इस बात पर तोबी किया है उनको डांटा है कि तुम लोग आकर हमारे नबी से क्या कहते हो कि हम ईमान ला कर तुम पर एहसान कर रहे हैं कुरान कहते हैं यमुन्ले का नस्लमु बाज लोग ईमान लाकर कहते हैं कि हमने आप पर एहसान किया है। जी इनसे कहिए कुल तमनुआ इस्लाम इस्लामकुम तुम्हारा इस्लाम ना मुझ पर एहसान नहीं है बल ला अलैकुम बल्कि अल्लाह का एहसान तुम पर है कि अन हदा कुम ने तुम्हारी हिदायत ईमान की तरफ की बस दुआ का यही फिक्रा हमें बताता है कि रमवानमबारक की आमद आमद है नकियाँ जो कर रहे हो तुम दीन पर एहसान नहीं कर रहे हो बल्कि दीन ने इन नकियों को अंजाम देने की जो तोफ़ी तुम्हें दी है वो खुदा का एहसान है ये वो दुआ है जो मैंने दो चार फकरे पढ़े वगैरह अगर नाजरीन तमाम फ़िक्रे इन दुआओं के पढ़ें जो आमद रमज़ान पर मासूमिन से शादिर हुई हैं तो एक नया रमज़ान इस साल हमारे लिए होगा चलिए अगर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं मगर अब ये भी हम सवाल आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं कि रमज़ान का तारफ़ इसके बारे में दीन इस्लाम ने किस तरह से बताया है इसका इंट्रोडक्शन कैसे कराया जी अगर आप आइए क्योंकि जब दीन के बारे में बात होगी कि दीन ने मुबारक को किस तरह पहचान करवाया और किस तरह इंट्रोड्यूस करवाया तो कुरान मजीद की आयत नंबर एक सौ पचासी बकरा की आयत है वन एटी फाइव कुरान करीम कहता है शाहरु रमानज़ी उनफी क़ुरआन खुद व बैनातम वलफुरान माह रम़ान वो महीना देखें कुरान बता रहा है जी रम़ानमबारक कौन सा महीना है वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया और जो लोगों के लिए हिदायत उसमें हिदायत और हक के इम्तियाज की वाज निशानियाँ मौजूद हैं वाद रम़ानमबारक वो महीना है जिसका जिक्र कुरान में इस सराहत के साथ आया है अच्छा वगरना और महीनों के नाम इस तरह नाम के साथ किसी भी महीने का ज़िक्र नहीं हुआ, हुआ। लेकिन माह रमज़ान के लिए शाहरु रमजान का लफ्ज़ यानी ख़ुद रमज़ानमबारक का नाम ज़िक्र हुआ है अगर आप रवायात की दुनिया में आइए कि रवायात ने माह मुबारक रमज़ान का तारुफ किस तरह कराया तो नाज़रीन अगर आप पैगम्बर अक्रम चूंकि दीन अगर तारुफ़ कराएगा तो मासूमी रहमु सलातम की ज़बान अकदर से या कुरान आकर तारुफ़ कराएगा पैगम्बर माह मुबारक रमज़ान का तारुफ़ किस तरह कराते हैंन्नास कद अकबला अकबिला शहरुल्लि बिलबरकत वरमत वमफफ़रा पैगम्बर रम़ानलमबारक का तारुफ कराते हैं लोगों जो महीना आ रहा है वो महीना अपने हमरा बरकत रहमत और मगफरत लिए हुए यानी रम़ानमबारक का तारुफ पैगम्बर किस तरह करा रहे हैं कि कद अकबला महीना जो आ रहा है याद रखना होशियार रहो फुर्सतों से फ़ायदा उठाना जी। ये महीना शहरुल्लाह है अल्लाह का महीना है बिल बरकते बरक़तों के हमरा आ रहा है रहमतों के हमरा आ रहा है और मगफ़िरत के हमरा आ रहा है उसके बाद पैगम्बर माह मुबारक रमज़ान के तारुफ में फ़रमाते शाहरुन हुआ इंदी अव्वलशहूर ये वो महीना है जो खुदा के नज़दीक महीनों में सबसे अफजल है महीनों में सबसे अफजल महीना माह मुबारक रमज़ान है फिर पैगंबर फरमाते हैं देखिए एक मरतब कहती सबसे अफजल महीना है फिर पैगंबर ने महदूद करना शुरू किया अच्छा वह अयाम हो अफजलयाम और उसका एक एक दिन अफजल एयाम है वह लयाली है अफजलयाली इसकी रातें भी रातों में सबसे अफजल हैं वसात अफजल वसात और इसके लम्हे भी लम्हों में सबसे अफजल हैं। देखो शुरू कहाँ से हुआ था महीनों में सबसे अफजल महीना है दिनों में सबसे अफजल दिन इसका दिन है जी रातों में सबसे अफजल रातें इसकी रातें हैं लम्हों में घड़ियों में सबसे हसीन और मुबारक लमहात माह मुबारक रमज़ान के क्या कहना चाह रहे हैं पैगम्बर तमाम उम्मत मुसलम को मुखातब करके बयान करना चाहें देखो यूँ तो तुम्हारी ज़िंदगी का एक एक लम्हा कीमती है अगर आप इस जुमले से पैगाम लें कि हमारी ज़िंदगी में वाक कोई भी लम्हा ऐसा नहीं कि जिसकी वर्जिश ना हो जी क्योंकि हमारी ज़िंदगी का जो लम्हा चला जाता है वो वापस नहीं आता रवायात भी है कि मामिन योमिन याती कोई दिन नहीं आता मगर आकर इंसान को कहता है यबना आदम अरे आदम के बेटे अना योम जदीद मैं नया दिन हूँ मैं वो कल वाला दिन नहीं हूँ लादा मेरा जी। ख्याल करो मुझे देखो मेरी फ़ुर्सतों से इस्ता करो मुझे फिर तुम नहीं देखोगे यानी वक्त की कीमत इतनी है यहाँ पैगम्बर फरमा रहे हैं वो वक्त की कीमत बहुत अहम है लेकिन रमवामारक में तो एक, -एक लमह भी तुम्हारा कीमती है वाह ये महीना है जो बरकतों के साथ है मगफरत के साथ है और इस महीने के अंदर तुम्हारा एक एक लम्हा कीमती है और फिर एक जुमला अर्ज़ करूँ पैगम्बर ने जो इस महीने के बारे में फ़रमाया पैगम्बर फरमाते वह हुआ शाहरुन दुई तुम फ़ी है अला ज़िया फ़तिल्ला ये माह मुबारक रमज़ान के लिए हसीन वो जुमला ये पैगम्बर फरमाते याद रखना ये वो महीना है जिसमें तुम्हें तुम्हें दावतनामा दिया गया है ख़ुदा की मेहमानी का यानी तुम सबको अल्लाह ने बुलाया है अब आप समझ सकते हैं कि जुमला ख़ुद कि जानी मतवज का है अगर कोई नातवा मेज़बान भी ना आपको दावत देता है यानी जिसके पास कुछ भी ना हो लेकिन अगर उसने आपको बुलाया हो और दावत दिया हो तो हर मुमकिन कोशिश करता है कि बेहतरीन से बेहतरीन ज़ियाफ़त और मेज़बानी वो आपकी कर जाए जी लेकिन इस महीने में वह हुआ शाहरुन दोई तुम फी है ज़या फ़तिल्ला इस महीने में तो कादिर मुतलक ने तुम्हें बुलाया है जी। वो खुदा जिसकी दस्त कुदरत में सब कुछ है उसने बुलाया वो कादिर भी है बखील भी नहीं है रहीम है करीम है जवाद है यानी तुम्हें खुदा की जानब बुलाया गया लिहाजा अपने आप को आमादा और तैयार को इस तरह रवायात में माह मुबारक रमज़ान का तारफ़ कराया गया अच्छा अगर चूँकि वक्त बड़ी तेज़ी से हमारे दरमियान से गुज़र रहा है नबी आखिर सल्सम के हम तमाम लोग उम्मती हैं और हमें इस बात पे यकीन फख्र भी है तो नबी की उम्मत को कोई ख़ास गिफ्ट कोई ख़ास तोहफा इस माह मुबारक रमज़ान में अता किया गया है कुछ रवायात हैं जी अलहदुल्ल इस पर भी हमारे यहाँ रवायात मौजूद हैं कि माह मुबारक रमजान में बाद ख़ास वो चीज़ें जो उम्मत मोहम्मदी को अता किया गया दीगर उम्मतों को अता नहीं किया गया रवायत सराहत के साथ खुद पैगम्बर अक्रम सल वसम से है पैगम्बर फरमाते हैं ओतीत उम्मीदी फ़ी शहर रमवान हम सन लमयता उमू नबीन कबली पैगंबर फरमाते हैं कि मेरी उम्मत को माह मुबारक रमज़ान में पांच चीज़ें अता की गई कि लम योतहा उम्मत नबीन कबली कि मुझसे पहले नबी की उम्मतों को वो चीज़ें अता नहीं की नहीं हुई वो पांच अहम चीज़ें जो उम्मत मोहम्मदी को माह मुबारक रमज़ान में अल्लाह ताला की जानिब से अता किया गया वो क्या हैं पहली चीज़ व इज़ाकाना अजीब रवायत है व इज़ाकाना अव्वल यो मिन हो जब माह मुबारक रमज़ान का पहला दिन आता है यानी पहले दिन की ये गिफ्ट है पहला दिन जो माह मुबारक रमज़ान का आएगा तो सबसे बड़ा तोहफा जो इंसान को मिलता है नवरल्लाम अल्लाह उनकी जानम नज़र करता है ना ये वाक़ दिल समझ सकते हैं कि अल्लाह की नज़र करने का माना क्या है क्या है ना और फिर उसके बाद इसी में एक जुमले में जवाब दिया गया कि फईज़ा नज़र अल्लाशन लम युज हो बाहा अगर अल्लाह किसी पर नज़र करे ना तो उसके बाद अल्लाह उस पर अज़ाब नहीं करता यानी पहले दिन का तोहफ़ा इनायत खुदा है और इस इनायत खुदा के बाद जो आज़ाब नहीं होता पहले दिन का तोहफा जो माह मुबारक रमज़ान के है और ये तमाम अम्बिया की भी दुआ थी कि मेरे अल्लाह हम पर नज़र कर यानी बार बार पैगम्बर फरमाते थे मेरे अल्लाह लम्हे भर भी तो मुझे मुझ पर मत छोड़ना लमहे भर लमहे भर भी एक आँख पलक झपकती है कितनी मेदारों से ला तकल ला अलैया तरफत तरफ़ी पलक झपकने को कहते हैं अच्छा। इतनी मक़दार में भी मैं मुझ पर ना रहूं यानी हमेशा ओ। तेरा मोरद नजर रहूं माहिर मुबारक रमज़ान में जो अहम चीज़ हमें हासिल होती है वो ये कि अल्लाह ताला जो है हमें नजर ख़ास से नवाजता है ठीक दूसरी चीज़ जो यहाँ पर रवायत में बयान हुआ है फ़िन खलूफ़ा अफवाह ही नमसूना इंदल अजल अतिब मिनरी हिल्क ये अजीब है वाक़ पैगम्बर फरमाते दूसरी खसूसियत ये महसूस किया होगा नाज़रीन ने भी कि जब असर का वक्त होता है ना जो जो हम मगरब से करीब होते हैं तो ज़ाहिरन मुँह से एक बू सी आती है रोजेदार है ये बू जो आती है मालूम है रवायत कहती है परवरदिगार आलम कहते हैं वो बू जो तुम्हारे मुंह से असर के वक्त आती है अल्लाह के नज़दीक उसकी खुशबू मुश्क से ज़्यादा होती है यानी ये रोजेदार किस मंजिल पे पहुंच गया है कि इसके वजूद से जो बू आ रही है वो मुश्क से ज़्यादा खुशबू है दूसरी इनायत जो माह मुबारक रमज़ान में तीसरी चीज़ जो माह मुबारक रमज़ान में उम्मत पैगम्बर सल्हस को अतः होती है यस्तगफिरून फिनलाम व नहा अल्लाह मलाइका को कहता है कि दिन और रात मेरे बंदे के लिए इस्तफार करो अच्छा यानी आप ख़ुद भी इसतफ़ार करेंगे जी और आपकी नियाबत में मलाइका भी आपकी जानिब से माह मुबारक रमज़ान में क्या करते हैं इस्तफ़ार करते हैं चौथी चीज़ जो अल्लाह ताला इस मुबारक महीने में अपने बंदों को अता करता है वो ये कि यह मर जन्नत हो जन्नत को हुक्म देता है अस्तफरी कि जन्नत तू भी मेरे बंदों के लिए इस्तफार कर भी खुद हाँ जन्नत भी, भी इस्तफार करती है और हुक्म होता व तज़ै नहीं और ए जन्नत तू अपने आप को तैयार कर ले एबादी मेरे बंदे के लिए चूंकि दुनियावी मुश्किलात से मैं उसे निजात देना चाहता हूँ और जन्नत का आराम देना चाहता हूँ पांचवी और आखिरी चीज़ जो इस महीने में उम्मत मोहम्मदी को अता होती वो ये कि फैजा का ना आखिरतिन गफ़र लहुम जमिया जब इस माह मुबारक रमजान की आखिरी रात आती है तो अल्लाह सबको माफ़ कर देता है सुभान ये वो पांच चीज़ें हैं जो रवायात में बयान चलिएगा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं तो नाजरीन देखिए इस एपिसोड से यकीन बहुत फ़ायदा उठाइए जो बातें आगाम ने पेश की है उस पर हमें गौर करना चाहिए ऐसा ना हो कि माह मुबारक रमज़ान का आगाज़ यानी पहला रोज़ा भी हो और हम बहुत ज़्यादा तैयारी ना कर पाए हों तो फिर हमें बहुत दुश्वारी होगी लिहाजा इस प्रोग्राम को हम पहले से ही आपकी खिदमत में पे इसीलिए पेश कर रहे हैं कि हम पहले से तैयारी कर लें ताकि जब माह रमजान आ जाए तो हम उससे अच्छी तरह से फ़ायदा उठा सकें इन अगले एपिसोड में हाजिर होंगे कुछ और भी बातें हैं जो आप तक पहुँचाना है फिलहाल आज के लिए बस इतना ही बस अल्लाम